हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको मेरे ऑनलाइन टीचिंग स्टूडियो सेटअप को पूरी तरीके से रिवील करने वाला हूं। अगर आप भी अपना ऑनलाइन स्टूडियो सेटअप बनाने वाले हैं पढ़ाने के लिए अपने स्टूडेंट को, तो ये वीडियो देखिए 2023 में कैसे आप एक्चुअल में स्टूडियो सेटअप बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो यहां पर मैं एक एक चीजों की प्राइस बताऊंगा प्रॉपरली, इसके बाद में कैसे हमने उसकी इंस्टॉलेशन करी है इसकी भी डिटेलिंग आपको प्रॉपरली दूंगा, किन चीजों से आपको बचना है, क्या गलतियां एक्चुअल में टीचर्स करते हैं, उन सब चीजों को डिटेल में बताऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट ये मेक श्योर करूंगा कि एक बार इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले जो डाउट टीचर के मन में आता है, किसी क्रिएटर के मन में आता है कि वॉल में कलर क्या होना चाहिए, वॉल कलर क्या होना चाहिए पहला। और भाई साहब, अगर आपके रूम में बहुत सारे डोर है और विंडो है तो इसको कैसे कवर करेंगे? तो मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूं, किसी चीज को कवर करने की जरूरत ही नहीं है। देखो ये मेरा एक डोर है, सिंपल सा डोर है, मैंने कहीं कोई कवरिंग नहीं करी है, फिर भी आप वॉइस देखोगे आपको मजा आ जाएगा। सामने वाली विंडो पे आप देखिए कोई कवरिंग नहीं है, इस वाले डोर पे कोई कवरिंग नहीं, मतलब इसी रूम के अंदर दो डोर है, एक विंडो है, कोई जरूरत नहीं है। कैसे बचा रहा हूं वो भी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि कैसे मैं मैनेज कर पा रहा हूं ये सारी चीजें। उसके बाद में दूसरा डाउट आता है, क्या हमें अपने रूम को साउंड प्रूफ करना चाहिए? तो मैं कहता हूं कोई जरूरत नहीं है। देखिए साउंड प्रूफिंग का सिंपल सा लॉजिक ही, बाहर की आवाज अंदर तक आए नहीं, ऐसा करने में आपको एक मोटा खर्च करना पड़ता है, वो चीज भी होती है, पर आपके पास में अगर बजट नहीं है तो कोई जरूरत नहीं। मैंने कोई साउंड प्रूफिंग नहीं करी है, तो मैंने क्या किया है, इसका अल्टरनेटिव मेथड अपनाई है कि कैसे मैंने कुछ छोटी सी जुगाड़ और टेक्नोलॉजी की मदद से अपने स्टूडियो को बिल्कुल साउंड प्रूफ किया है ना। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं कि हमें पैनल एक इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल। तो देखो भाई साहब, मेरे यहां पर एक पैनल 65 का है और दूसरा पैनल मैंने वहां पर 75 का लगा के रखा है। अब इस 75 वाले पैनल को मैंने यूज करना बंद कर दिया क्योंकि गलती से गलत पैनल आ गया था, गलत कंपनी का आ गया था, कंपनी का नाम नहीं लूंगा नहीं तो उनकी सेल्स गिर जाएगी। बट हाँ, अब मैंने यहां पे 65 का पैनल आप ही जैसे लोगों के लगाया कि भाई 65 के पैनल पे भी अच्छा खासा पढ़ाया जा सकता है। तो 65 इंच का पैनल मैंने लिया है, कोशिश करिएगा अगर आपका बजट अच्छा है तो 75 इंच का ही पैनल लीजिएगा। इसके अलावा कौन से कंपनी का पैनल लिया है, तो मैंने इवोटा कंपनी का पैनल लिया है, ये कंपनी का पैनल आप लीजिए। यहाँ पे स्क्रीन पे जो नंबर आपको दिख रहा है आप डायरेक्टली इनसे इंस्टॉलेशन भी कर सकते हैं प्रॉपरली, आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। इवोटा कंपनी का पैनल क्यों लिया है, देखो मुझे बहुत सस्ते में पड़ गया, मुझे ना 75 का इंच पैनल मैंने एक अपनी ऑफलाइन क्लासरूम में लगाया, वो मुझे अराउंड 145 के अंदर पड़ चुका है, पड़ा। अब ये पैनल कंपैरिजन टू ऑल पैनल, मैं किसी भी और कंपनी से कंपैरिजन करूं उससे तो बेटर ही है, बहुत शानदार पैनल है। अब बात करते हैं कैमरा की। तो देखो कैमरा को मैं आपको बताता हूं, कैमरा में यहां पर आप मेरा एक्सपीरियंस देखिए कि यहां पे हमने तीनों कैमरे लगा दिए जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। ये है हमारा 4K PTZ कैमरा, यही मेरा बेस्ट कैमरा है, इवोटा का 4K PTZ कैमरा। इसकी कॉस्ट 75,000 के भी कम में पड़ जाती है, उसके आसपास रहती है, मैं श्योर नहीं हूं बट हाँ डेफिनेटली इतने तक होता है। तीनों कैमरा है, आउटपुट बहुत तगड़े होते हैं, तो कैमरा और पैनल दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मैंने इसको लगाया। अब इसका लगाने का तरीका देखो, तीनों टाइप के स्टैंड अलग अलग लगे हुए हैं, एक टाइप का स्टैंड ये होता है, इस टाइप का स्टैंड है, दूसरा ये टाइप का स्टैंड है। तो ये जो कैमरा है, ये कैमरा AI बेस्ड कैमरा है, तो इसको उल्टा लटकाया जाए ऐसा प्रोविजन भी है, कंपनी अलाउ करती है, तो कैमरे को हमने इस तरीके से हैंग करके लगाया। यूजुअली टीचर्स क्या करते हैं, कैमरे को ट्राइपॉड पे सेट करते हैं, जो कि मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता, कैमरा ट्राइपॉड पे नहीं होना चाहिए, दीवार पे हैंग होना चाहिए। एक अच्छा स्टैंड, इस टाइप के हैवी स्टैंड की मदद से आप आसानी से अपने कैमरे को हैंग करिएगा। एक कैमरा यार, अगर आप 75,000 का कैमरा खरीदते हो, देखो कैमरे की कौन सी कंपनी, तो मैं आपको बता देता हूं कि जितने कंपनी मैंने पहले रिकमेंड करी होती है, किसी और वीडियो में आपको रिकमेंड करी है, सारे कैमरे जितने PTZ 4K PTZ कैमरा जो है, PTZ कैमरा है ना, ये कैमरा जो है, कोई आपको बोलेगा लेंस खराब है, कोई कुछ बोलेगा अलग अलग है, देखो यार ये कैमरे को एक बार अच्छे से देखो, ये कैमरा भी इवोटा कंपनी कैमरा है, इवोटा ही मैन्युफैक्चरर है, बाकी जो जितनी कंपनियां है ना, जितनी कंपनियां आप देखते हो, ये सब की सब कंपनियां कैमरा इनसे लेती है और अपना टैग चिपकाती है। तो वो कंपनी जिस कैमरे को 95, 80, 85, 1,05,000 में बेचती है, आपको जाना ही नहीं है, आपको इस जो बोलते हैं ना ट्रैप में फंसना ही नहीं है। हमने बात कर ली पैनल की, हमने बात कर ली कैमरे की, अब बात करते हैं लाइटिंग की।
तो देखो लाइटिंग का सेटअप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये सस्ता सा कैमरा लिया है 78,000 का, या फिर आपने 2-3 लाख का भी कैमरा ले लिया है, हालांकि दोनों कैमरे में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बट अगर आपने अच्छा कैमरा लिया है तो अच्छी लाइटिंग की जरूरत बहुत होती है। तो देखो मैंने क्या किया हुआ, मैंने ऊपर लाइटिंग लगा के रखी हुई है। यहां पर आप इस लाइटिंग को देखिएगा, ये लाइटिंग प्रॉपरली मैंने हैंग करी हुई है, किस तरीके से लगाई हुई है। तो देखो थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूं यहां पर जूम करके, यहां पर आप देख रहे हो मैंने ना इसको टिल्ट करके लगाया है। देखिए ये मेरा पैनल है और इस पैनल से कुछ 6 फीट दूर मैंने लाइट ऐसे टिल्ट करके लगाई हुई है। मैं आपको एक बार यहां पर एक्सप्लेन करता हूं। तो यहां पर मेरा ये पैनल लगा हुआ है, ये पैनल मेरा यहां पे लगा हुआ है, ठीक है। अब यहां से 6 फीट के डिस्टेंस पे मैंने अपनी लाइटिंग लगाई हुई है यहां पे, है ना। और इसको कैसे लगाई हुई है, कैसे लगाई हुई है, टिल्ट करके लगाई हुई है ना। तो ये टिल्ट करके लाइटिंग लगाई हुई है ताकि टिल्ट करके लाइट यहां पर आए। अब ये लाइटिंग मैंने क्या करा हुआ है, तो मेरे ये 2x2 के पैनल आते हैं लाइटिंग के, इन 2x2 के पैनल पे देखो ये सब चीजें रूम टू रूम अलग अलग तरीके से डिसाइड होती है। तो आपको अगर कोई सेटअप कराना है, स्क्रीन पे ये नंबर दिया है, इनसे पूरा कंसल्ट करिए, बात करिए, आपको प्रॉपर तरीके से पता चल जाएगा कि पैनल की लाइटिंग कैसे होगी, सेटिंग कैसे होगी। हम हर कुछ खुद से करने जाएंगे तो शायद डिफिकल्टी बढ़ेगी। मैं आपको रिकमेंड करता हूं, इस वीडियो में सारी चीजें बता रहा हूं, आप खुद से चाहो तो खुद से भी कर सकते हो। मगर हार्डवेयर, अगर मैं आपको कहूं कि जितने में आप ये हार्डवेयर ले रहे हो उस पर भी डिस्काउंट मिल गया, ये काम आपका खुद एक कंपनी करके दे देगी, तो बस ये कंपनी का नंबर है, यहां पर कॉल करिएगा। तो मैंने यहां पे टेढ़ा करके लाइट लगा दी है। अब देखो ऊपर से तो लाइट आ रही है, अगर आपका रूम बड़ा है, मेरे 10 फीट की है, तो 10 फीट में मैंने साइड में लाइट लगाई है। आपको साइड में लाइट नहीं लगाना, मैं भी बंद करके रखता हूं, नहीं तो पैनल पे रिफ्लेक्शन आता है। बट हां, अगर आपका थोड़ा बड़ा रूम है तो आप साइड से भी लाइट दे सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाइटिंग को नीचे से देना। हमने नीचे से लाइटिंग, देखो ये 2x2 के पैनल है, इन पैनल को अगर आप ऐसे उठा के देखोगे तो ये पैनल का हमने ना ऐसे एक बॉक्स बना दिया है पूरा। ऐसा बॉक्स बनाने के लिए आपको कारपेंटर की जरूरत पड़ेगी, तो ये कारपेंटर की मदद से आप ये बॉक्स बनवा लीजिए। ऐसा बॉक्स बनता है, इसका डायमेंशन लगेगा तो मैं पूरा आपको दिलवा दूंगा, हमारी टीम से कॉल कर लीजिएगा। तो ये पैनल इस तरीके की डायमेंशन पे पूरा बन जाता है और ऐसे फिट हो जाता है। तो नीचे आप देखो, नीचे से भी मुझे प्रॉपर लाइट आती है। लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार चिल्ला चिल्ला के यही कह रहा हूं कि लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अभी आप मेरे को एक और चीज देखिए, मैं बिल्कुल पसीने में तरबतर हो रहा हूं। ऐसा क्यों हो रहा है पता है आपको, क्योंकि मैंने ना एसी नहीं लगाया है, मेरा एसी खराब हो गया है, तो मेरा एसी चल नहीं रहा है। तो आपको अपने स्टूडियो में एसी लगाना ही पड़ेगा। बहुत सारे टीचर्स फैन लगाते हैं, यार मैं बोल रहा हूं कि 20,000 में एसी मिलता है, एसी लगाइए, साइलेंट एसी लगाइए और दूर लगा लीजिए सामने वाली वॉल पे। बहुत गर्मी होती है, कभी आप टी शर्ट में होते हो, घंटों घंटों बोलना होता है। आज मेरा एसी बंद है, मुझे समझ में आ रहा है कितना पसीना आ रहा है, आप 1 घंटे पढ़ाते हो कितना मुश्किल है, 10 मिनट में वीडियो खत्म हो जाएगा। तो एसी बहुत इंपॉर्टेंट है। एसी कहां पर, सामने वाली वॉल पे, बचिएगा ऊपर वाली वॉल पे कभी एसी मत लगाइएगा, अपने सर के जहां पे पैनल लगा है वहां पे, क्योंकि वॉइस बहुत ज्यादा आती है। तो हमने बात कर ली कैमरा की, हमने बात कर ली पैनल की, हमने बात कर ली लाइटिंग की, एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम। देखिए अगर आपको लाइव जाना है ना, तो आपको अच्छा सिस्टम लेना पड़ेगा। अच्छा सिस्टम मतलब क्या, देखो बहुत से फर्जी चोर टाइप के लोग इसको सर्वर बोलेंगे, ये सर्वर वर्वर कुछ नहीं होता, ये होता है सिस्टम। जैसा हमारे बचपन से हम सिस्टम देखते हैं ना, सीपीयू सिस्टम, ये लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पर हमने सीपीयू लगा के रखा हुआ है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, तो कोशिश करिएगा सीपीयू आप खुद बनवाए, बट स्टिल अगर आपको लगता है ईमानदारी से बनवाना है तो आप हमें कॉल करेंगे ना, हम आपको पूरा सपोर्ट भी करेंगे। तो ये मेरा ये मानना है i5 में लेटेस्ट जनरेशन क्वाड कोर ऑक्टा कोर प्रोसेसर लीजिएगा, रैम 16GB रखिएगा, ग्राफिक कार्ड 2GB का। देखिए दो टाइप के ग्राफिक कार्ड आपने ना, एक इनबिल्ट ग्राफिक कार्ड आता है और एक आता है डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड आता है। तो आपको डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड की जरूरत होगी, ग्राफिक कार्ड लीजिएगा, SSD हार्ड डिस्क यूज करिएगा, नोट करते चलिएगा, SSD हार्ड डिस्क यूज कर दिएगा, रैम 16GB रखिएगा। सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे आप अपने OBS के थ्रू आप ऑनलाइन पढ़ाते हो, उसको यूट्यूब पे लेके लाइव करते हैं, तो 1080 में लाइव जाना चाहिए। अदरवाइज इतना महंगा लाइटिंग कैमरा ये सब लगाने से मतलब क्या हुआ। तो आपको इस सिस्टम लेके मान के चलिए कि अराउंड 60,000 से 70,000 तक पड़ता है, पर बाकी क्या होता है, ये कंपनी जो होती है ना, क्या नाम लेना चाहता हूं पर ले नहीं पा रहा हूं, बट वो कंपनी आपको 70,000, 80,000, 90,000 का सिस्टम देती है, वो बिल्कुल घटिया थर्ड क्लास सिस्टम है। सिस्टम का ध्यान रखिएगा। सिस्टम के साथ में आपको एक एक्स्ट्रा स्क्रीन की जरूरत पड़ती है कमेंट पढ़ने के लिए। तो कमेंट पढ़ने के लिए, स्क्रीन लेने के लिए, देखिए आप समझिए, यहां पर मैंने एक स्क्रीन लगा के रखी हुई है,
और ये स्क्रीन को मैंने किसे कैसे हैंग किया हुआ है, इस साइड आना पड़ेगा रोहित आपको, यहाँ पे देखो इस तरीके से मैंने इस स्क्रीन को हैंग करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं यूजुअली पढ़ाते पढ़ाते ऐसे यहाँ पर सामने देख लेता हूँ, और मुझे यहाँ प्रॉपरली सामने पढ़ाते पढ़ाते मुझे कमेंट देखने को मिलता है, कमेंट देखने के लिए थोड़ा टेढ़ा होना पड़ता है। आप चाहो तो ऐसा एक और स्टैंड ले लो और इस स्टैंड पे LCD लगा लो और इसको ऐसे टांग लो कैमरे के जस्ट सामने, मतलब ऐसे अगर आप सामने आओ रोहित पर, अगर आप इसको इस तरीके से यहाँ पे नियरेस्ट टांगेंगे तो आप जब कमेंट पढ़ेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि आप कमेंट पढ़ रहे हैं। तो ये एक ब्यूटी है ना। तो सिस्टम कमेंट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट पढ़ने के लिए आपको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। ये आपका सिस्टम हो गया। आप सिस्टम के बाद में आपने एक्स्ट्रा स्क्रीन ले ली, एक्स्ट्रा स्क्रीन को सेंटर में लगाएंगे तो कमेंट सामने पढ़ते हुए नजर आएंगे। तो चलिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये खिड़की दरवाजे बाहर की आवाजों से कैसे बचा जा सकता है। देखो बाहर की आवाजों से बचा कैसे जा सकता है, एक अच्छे माइक से, है ना। माइक के बारे में हम आगे बात करेंगे, पर उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एकॉस्टिक साउंड प्रूफिंग कैसे होती है। तो बेसिकली जब कोई रूम खाली होता है ना तो वहां पर साउंड प्रूफिंग नहीं होती, इको जनरेट होता है जिससे आवाज खराब होती है। तो इको को कैसे मिटाया जा सकता है, देखो बाहर की आवाज अंदर आएगी वो रोक नहीं पाएंगे अभी हम लोग, अभी हम इको खत्म कर लेते हैं। अगर इको हमने खत्म कर लिया, मतलब गूंजने वाली आवाज खत्म कर ली, तो कुछ हद तक हमारी साउंड क्वालिटी की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। तो एक इको के लिए सबसे पहले क्या है, कारपेट लगाया, है ना। तो ये कारपेट कैसा है, तो ये कारपेट आपको मैं दिखा देता हूं। ये देखो आप, ये कारपेट है, इस टाइप की टाइल्स आती है। अच्छा हेवी कारपेट लगाना चाहिए क्योंकि इससे वीडियो भी ब्यूटीफाइड होता है ना। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहां पे मैंने पर्दे लगा दिए, पर्दे लगाने के बाद में यहां पर भी मैं पर्दे लगा दूंगा अगर बहुत ज्यादा इको क्रिएट हो रहा है। उसके बाद में मैंने सामने वाली साइड पे भी पर्दे लगा के रख लूंगा, यहां पर भी पर्दे लगा सकता हूं। ये पर्दे भी अपने साउंड को खत्म करने का काम करते हैं। उसके बाद में ऐसे टेबल रख लो, ऐसी सारी चीजें अगर आप जब रखते हो ना, तो वैसे बेसिकली ये सब करने के बाद में आपका इको खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं बाहर की आवाज का। तो अगर आपने सही माइक लिया, जैसे मैंने यहां पर सिनाइजर का माइक लगा के रखा हुआ है, मैं सिनाइजर का माइक यूज करता हूं अपने ऑनलाइन टीचिंग में, सिनाइजर का माइक यूज करता हूं। तो सिनाइजर का माइक यहां कॉलर पे लगा के मैंने अगर अच्छे से पढ़ाया और इसमें सेटिंग कर ली, तो आप ये मान के चलो कि बाहर के एकॉस्टिक पे हमको माइक, अगर हमने सपोज माइक अगर हमने 30,000 रुपए समथिंग खर्च कर लिया, तो 3,00,000 रुपए की साउंड प्रूफिंग कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये बात आपको समझना पड़ेगी, साउंड प्रूफिंग आपको नहीं करवानी है। साउंड प्रूफिंग करवाने में कम से कम आपको 3,00,000 से ज्यादा का खर्चा आएगा, जो कि बहुत गलत है, बहुत कॉस्टली है। इसीलिए मैं कहता हूं, इसीलिए आपको समझना पड़ेगा कि स्टूडियो में ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब देखो ले देखे ये स्टूडियो कितने का पड़ता है ना। मैं एक अच्छा बात कर रहा हूं कि अगर 75 इंच का अच्छा पैनल आप ले लोगे तो आपको ये 1,45,000 रुपीज में पैनल मिल जाएगा, है ना। अगर मोटा मोटा हम बात करें 4K PTZ कैमरा, तो 75 में 4K PTZ कैमरा मिल जाएगा, है ना। सिनाइजर का बेस्ट माइक सब कुछ, सारी केबल वेबल जोड़ के करें तो 30,000 की ये मिल जाएगी। लाइटिंग का सेटअप आप एट मैक्स मान के चलो 12,000 रुपए से लेके 15,000, तो हम इसको 15,000 मान लेते हैं, 15,000 में आपकी लाइटिंग हो जाएगी, है ना। ये लाइटिंग हो गई, ये लाइटिंग हो गई आपकी, ये माइक हो गया, ये कैमरा हो गया, ये पैनल हो गया। अब इसके बाद में क्या होता है, हमको एक स्टैंड की जरूरत पड़ती है, और हमको एक स्टैंड की जरूरत पड़ती है, तो स्टैंड अदर केबल ये सब मान के चलो 7,000 का खर्चा इसमें आता है, ठीक है। और इसके बाद में सिस्टम PC आपको ये मान के चलो कि दोनों स्क्रीन सब कुछ मिला के 70,000 में आपको ये मिल जाता है। तो ले देखिए एक अच्छा स्टूडियो, ये ओवरऑल टोटल, ये टोटल कितना हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूं आपका स्टूडियो 3,50,000 रुपए में रेडी हो जाता है, अच्छे से अच्छा स्टूडियो। मेरे स्टूडियो की क्वालिटी आप देख लोगे ना, ये वीडियो की क्वालिटी देख रहे हो, मैं ऐसी क्वालिटी में जनरेट कर पाता हूं, ऐसा आता है मेरा वीडियो। तो मैं आपको एक ही चीज रिकमेंड करूंगा कि 3,50,000 रुपए खर्च करो तो एक्सपर्ट के साथ में खर्च करो, जो आपको सर्विस दे, सारी की सारी चीजें आप एक जगह से लीजिए। जैसा कि मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूं, इस नंबर पर आप कॉल करिएगा, हमारी टीम डेडिकेटेडली आपको बताएगी। हम कितनी छोटी चीजों को ध्यान रखते हैं रोहित भाई, इस साइड आना, कि जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो उसे कमेंट पढ़ना होता है, तो उसे स्क्रीन भी दिखनी चाहिए, स्क्रीन 32 इंच की बड़ी होनी चाहिए ताकि कमेंट पढ़ने में दिक्कत ना आए। अरे छोटी छोटी चीजें, ये तो रही बात ऑनलाइन सेटअप की, ये ऑनलाइन सेटअप की बात रही। अगर इसी सेटअप के साथ में अगर आप अपने ऑफलाइन स्टूडेंट को बिठा लो, तो कुछ 20,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करके आप अपने ऑफलाइन स्टूडेंट को भी पढ़ा सकते हो इसी सेटअप में, हाइब्रिड जिसे कहते हैं। हाइब्रिड मतलब क्या, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन स्टूडेंट को साथ में पढ़ाना, हाइब्रिड सेटअप लगवा लेना। तो टोटल 3,50,000 में इतनी सारी चीजें, सब कुछ प्रॉपरली हमारी टीम आपको करा के देगी। और ये हमारी गारंटी है कि इस वीडियो को जो आपको बता रहा हूं, जो क्वालिटी आपको बता रहा हूं, जो प्रोडक्ट आपको बता रहा हूं,
ये सारे प्रोडक्ट वेल प्रूवन है, मैंने हर एक ब्रांड के साथ में काम किया। आप जिस ब्रांड का कैमरा, जिस ब्रांड का पैनल बोलोगे मैं आपको दे सकता हूं बेस्ट प्राइस में, पर मैं आपको इंडस्ट्री की बेस्ट चीज ही रिकमेंड करूंगा। तो आशा करता हूं इस वीडियो में मैंने हर एक डाउट को क्लियर करा होगा। इसके अलावा आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कॉल करिए, मुझसे बात करिए, मुझसे सजेशन लीजिए, और स्पेशली कमेंट कर मुझे बताइए कि इस वीडियो से आपको कितनी वैल्यू मिली, आपको सारी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई। अगर आप चाहते हो कुछ और डेडिकेटेड वीडियो मैं आपके लिए बनाऊं तो आप मुझे बताइएगा, डेफिनेटली मैं आपके लिए वो डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।